पूरे देश में बाइकॉट जैसा माहौल है और बॉलीवुड की लगभग सभी मूवी फ्लॉप हो चुकी है। कुछ समय से चाहे अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, पृथ्वी राज, रक्षा बंधन या आलिया और रणबीर का शमशेरा हो, चाहे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो, ऐसा क्या हुआ जो पब्लिक मूवी देखना पसंद ही नहीं करती या ये कहिए कि थिएटर तक जाना नहीं चाहती। लाल सिंह चड्ढा की अब तक की वर्ल्ड वाइड अर्निंग 112 करोड़ हुई है, जबकि इस मूवी का कुल बजट 180 करोड़ है। पर चड्ढा की चड्डी क्यों खुल गई? दरअसल देखा जाए तो कई ऐसे बड़े सितारे हैं जो अपने आप को पब्लिक यानी कि ऑडियंस से बड़ा मानते हो। आमिर खान की मूवी में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है कि हिंदू ऐसी चीजों को कभी दिल पर नहीं लगाते, लेकिन हर बार उन्होंने ऐसा ही किया है। पीके जैसी मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से दिखाया गया है, चाहे जूठापान शिवलिंग पर लगाना हो। लाल सिंह चड्ढा में भी कुछ सीन सिख समुदाय को अपमानजनक दर्शाता है, को स्टार पब्लिक बनाती है या भूल जाते हैं, अपने द्वारा दिए गए बयानों पर इनको काबू नहीं रहता। भारत एक जागृत राष्ट्र है, किसी भी चीज को टॉलरेंस करने की कैपेसिटी एक वक्त तक ही रहता है। आपको शायद याद होगा कि उदयपुर कांड और नुपुर शर्मा के बयान पर फतवे निकाले गए थे। ऐसे ही कई डायरेक्टर हिंदू धर्म पर अपमानजनक सीन शूट करते हैं, इसीलिए हम सभी मिलकर ऐसे सिनेमा को बाइकॉट करना शुरू किया ताकि हमारे सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके।